आज हम बनाने वाले हैं ड्राई फ्रूट कुल्फी। उसके लिए हमको थोड़े से दूध में काजू का पेस्ट बनाना है। दूध आप देख सकते हो 250 ml है। तो अभी हम पहले तो अभी हम इसमें दूध डाल लेते हैं। आधा डाल दो, थोड़ा सा दूध डाल देते हैं अभी क्योंकि ये भर जाएगा। और इसमें थोड़े से काजू डाल लेते हैं। तो इसे इसमें हमको अभी अपने इसमें मिक्सर में डालना है आप। तो गाइस अब मैं आपको मिलता हूँ सारे काजू को पेस्ट बनाने के बाद। तो गाइस इसको मैं खोल लेता हूँ। तो अब आप देख सकते हो कि इसका पेस्ट बन चुका है। एक बार देख लीजिए पेस्ट बनने के बाद ये कैसा दिखेगा। इसके बाद आपको आधा लीटर दूध में इसको डालना है और धीमी आंच पे उसको जलाना है। उसके साथ साथ आपको बादाम और चीनी का इसको भी इसमें पीसना है और इस ये ऐसा दिखेगा कुछ। और इसको भी इसके अंदर डाल देना है। उसके बाद जो आपने पीसा होगा उसके बाद उसको अच्छे से यहाँ पे मिला लेना है और जल्दी से उसको मिला लेना है। तो मैं अभी मिलता हूँ इस सबको मिलाने के बाद। आपको ऐसे गोल गोल मिलाते रहना है जब तक दूध गाढ़ा ना हो जाए। तब तक आपको लगातार मिलाते रहना, बीच में बिल्कुल नहीं रुकना है वरना कुछ भी ख़राब हो सकता है इसमें। तो अब मैं आपको मिलता हूँ बाद में। तो गाइस आप देख सकते हो ये अच्छे तरीके से गाढ़ा हो चुका है मेरा दूध। तो अभी हम इसको फ्रीज करेंगे थोड़ी देर के लिए। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा तब हम इसको शेप में रखेंगे। और अभी मैं मिलता हूँ आपको इसकी नॉर्मल टेम्परेचर होने के बाद। तो अब हमें इसको इसकी शेप में डालना है क्योंकि अभी ये बिल्कुल अभी ये बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। इसके बाद हमको इसको फ्रीजर में जमाना होगा और इसके बाद ये खाने लायक हो सकती है। तो अभी हम जल्दी से इसके अंदर डाल देते हैं। तो अब ये आप देख सकते हैं कि कुल्फी हमारी फ्रीज हो चुकी है। तो अब आप इसको अब आप खा सकते हैं। मैं आपको एक बार चाकू से निकाल के दिखा देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं अगर ये अच्छे से फ्रीज हो गई तो इसका एकदम परफेक्ट शेप आ चुका है। तो अब मैं इसको खा रहा हूँ।